राम राम जी सारे देशवासियों ने मेरा प्यार भरा, बड़ा ने प्यार भरी प्रणाम, छोटा ने प्यार भरा राम राम। और मैं अंजू मलिक फिर से एक बार अपनी हरियाणवी देसी रसोई में आप सबका सप्रेम स्वागत करूँ सू। और जी आज हम बड़े ही चटपटी सब्जी बनाने वाले हैं, झटपट तैयार हो जाती है ये और खाने में भी काफी टेस्टी होती है। तो जी सब्जी का नाम है चूचू बैंगन, मसालेदार बैंगन कहते हैं, जैसे बेबी पोटैटो होते हैं, हम बेबी ब्रिंजल भी बोल सकते हैं इसे अंग्रेजी में जी। और ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं और जी इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि जल्दी पेट भी भर जाता है, और जिनको वजन कम करना है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है ये, और जिनको हृदय रोग है, दिल की बीमारी है, उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है ये। और जी आओ चलो इसकी सामग्री देख लेते हैं। अब ये जी मैंने 250 350 ग्राम ये बैंगन ले लिए हैं, और जी ये 2 चम्मच तेल, और जी आधी चम्मच जीरा, और आधी चम्मच राई, और जी इसके सूखे मसाले। अब ये जी इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा आधा चम्मच गरम मसाला, मर्जी है जी आपकी, और जी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी हींग, स्वाद अनुसार नमक, और जी 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। और जी अब हम अपने बैंगनों को अच्छे से धो लिया है मैंने, और इनको पोंछ लिया, अच्छे से एकदम सुखा लिया है, बढ़िया डाला साफ कर लिया है, अब हम इन्हें काटेंगे। और मेरे प्यारे भाण भाइयों ये हमने काट लिए अपने बैंगन, पूरा एक बैंगन था इसके 2 पीस करके, और ऐसे चाकू से इसके 2 3 कट लगाने लिए हैं, पूरा नहीं काटना है, आधा यहाँ तक 2 3 कट लगा ले। आप देख सकते हो जैसे ये किया 2 पीस करके और ऐसे कट लगा लेने, सारे बैंगन इस तरह हम काट लेंगे जी। और जी ये भी जो हमारे सूखे मसाले हैं सारे हम एक कटोरी में मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम भरेंगे, इसको हम अचारी बैंगन भी बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैंने अपने सारे मसाले इसके अंदर डाल लिए, और चम्मच से अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे जी। मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप तीखा खाना चाहें उस हिसाब से डालें। और कभी भी जब होता है ना मूड नहीं है जी, आल कस्टर्ड रहा है, कोना जी नहीं कर रहा सब्जी बनाना है, प्याज टमाटर काटना है, जो भी झंझट है जी, तो आपकी झटपट सब्जी एकदम तैयार हो जाती है बिल्कुल मिनटों में, और कोई झंझट नहीं होता। ये इस तरह से फैला लिए हैं, और अब हम अपने हाथ अच्छे से धो के बढ़िया डाला स्वच्छ करके, और एक एक बैंगन पे इस तरह मसाला डाल देंगे, और फिर हम इसके अंदर भरेंगे इसको। ये देखिए खूब अच्छा टेस्ट आता है इसका, बच्चे से लेकर बड़ों तक काफी सब खुश होके खाते हैं, बहुत ही मजेदार लगती है ये सब्जी। और सबसे बढ़िया बात है जी बैंगन एक तो मार्केट में बाजार में बढ़िया आसानी से मिल जाते हैं ये, और जितने महंगे भी नहीं होते तो सब बढ़िया डाल इसको लेके बढ़िया बना सकते हैं, ना कोई बनाने में झंझट है। ये देखिए सारे बैंगनों पे मैंने अपना मसाला बराबर से डाल लिया है, अब हम इसे मिलाएंगे, मतलब ऐसे एक एक को उठा के और ऐसे उंगली से ऐसे बीच बीच में भर देंगे सारे मसाले को। अब ये हम सारे मसाले इसमें भर देंगे अपने, और ये देखिए हमने अपने मसाले एकदम अच्छे से भर दिए हैं उंगली से बीच में एकदम अच्छे से, जो हमने कट लगाए थे इसके अंदर, और जी सारे तैयार हो गए हैं। मैंने अपनी ये कढ़ाई रख दी है जो कि गरम हो रही है, गैस ऑन कर दी थी जी, और इसमें हम ये 1 चम्मच बड़ा सरसों का तेल डाल लेंगे। और जी बनाना सरसों के तेल में ही, क्योंकि ये सरसों के तेल में ही लाजवाब बनते हैं, काफी बढ़िया टेस्ट आता है। और अभी ये हमारा तेल गरम हो जाएगा, जब तक धुआं नहीं निकले, इसका रंग नहीं हल्का पड़ जाए, इसमें 1 चुटकी नमक डाल के, और फिर हम अपनी ये राई और जीरा डाल देंगे। और ये हमारा तेल हो चुका है गरम, मैंने 1 चुटकी अपना नमक डाल दिया है, और ये एकदम पक चुका है, एकदम पक के बढ़िया रेडी है। और अब हम अपनी आंच को कर लेंगे एकदम लो धीमी, और जी अपने डाल देंगे ये राई और जीरा, एक बार इसको चारों तरफ से फैला ले, क्योंकि जो हम बैंगन फैलाएंगे ना तो फिर चिपकेंगे नहीं। ये जी ये मैंने डाल दिया अपना राई और जीरा, और अब कुछ नहीं करना, ना कोई प्याज पकाने का झंझट, ना ये बैंगन का कुछ कच्चा रहेगा पक्का रहेगा, ये हमारे चिपक गए हैं ये सारे बैंगन, अब इसमें हम डाल देंगे अपने ये है। और जो ये बैंगन है ना खाने में तो लाजवाब होते ही है, और ये बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, और जी
विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। और जी ये कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी मदद करते हैं काफी, जो बैंगन होते हैं वो बढ़ने में देते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे और चारों तरफ एक एक बैंगन को कढ़ाई में फैला देंगे। ये देख सकते हो आप, यूं फैला देने जी के कति बढ़िया डाला। और अब इसे 7 मिनट ऐसे पकाना धीमी आंच पे, और फिर हम इसको पलट देंगे 3-4 मिनट तक पकाना है, एकदम बढ़िया क्रिस्पी। और क्या करें जी, कुरकुरे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, भूरे भूरे खूब बढ़िया लगेंगे, स्वाद कति कसुकता से इनका। जब तक जी अभी ने हम ढक देंगे, और अपनी आंच धीमी करी रखी, थोड़ी सी मीडियम कर लेंगे, और अभी ढक दिए मैंने। अब हम इसे 7 मिनट बाद देखेंगे। भैयों हम बीच में इसको 5 मिनट हो गए, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे बैंगन की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये हमारा देख सकते हैं आप कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम जगह बदल देंगे जी, जो यहाँ है उन्हें ऊपर पहुँचा देंगे, जो ऊपर हैं उन्हें नीचे पहुँचा देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह अभी ब्राउन नहीं हुए होंगे। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, ये यहाँ बैठा दिया भाई, बैठ जाए, इसको नीचे पहुंचा देंगे इनको, ताकि ये भी बढ़िया डाल बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरे हो जाए जी। ऐसे करके ऐसे नीचे की तरफ धकेल देंगे, और ये भी हो जाएंगे। काफी बार क्या होता है, बैंगन काफी कच्चे आ जाते हैं, वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर वो गिलगिले से हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो तब ऐसा हो, आपको लग रहा है भैया आपके कच्चे बैंगन है काफी, तो ढके नहीं, खुला ही पकाए। और जी आप देख सको, ये हमारे एकदम 7 मिनट बढ़िया डाल रही है। ये देखिए, अब हम इन्हें दूसरी तरफ फैला देंगे ऐसे उल्टा करके, ताकि इस तरह से भी थोड़े भुन जाएंगे। ये देखिए क्या सुथरे दिख रहे हैं, और मुंह में पानी आ चुका है एकदम, भूख लगाई देख कर जी, इन्हें देखिए भूख लगा उन्हें तो जी। ये देखिए देखिए, हमने एकदम पलट दिए हैं, अब हम इन्हें खुला ही पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ये देखें केक कसुते दिखने लग रहे हैं, और मुँह में कति पानी आ चुका में रहता है, रुक क्या नहीं जा रहा था 2 मिनट की तक है। और जी आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दियो, अजीब लाल रंग की घंटी भी बजा दियो, ताकि मैं जो भी बनाऊँ वीडियो अपने नए अंदाज में तो आप तक पहुँचे जी सबसे पहला। और जी वो आपकी मर्जी है, बढ़िया अलग है तो जी कमेंट भी कर दियो, लाइक भी कर दियो। यहाँ आके हम जब हमारी 1.5 मिनट हो जाए, तो आधी मिनट के लिए अपनी आँच है जो हाई फ्लेम पे कर दे, एकदम कूल कर दे मैं, ताकि ये नीचे से काफ़ी बढ़िया डार्क क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरे हो जाए। और आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो थोड़ी, ये ऑप्शनल है, इच्छा हो तो डालो, ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हरा धनिया भी सजाओगे जी खूबसूतरा लगेगा, जिसने नहीं पसंद हो हरा धनिया वो मत डालियो। और ये हमारी आधी मिनट हो चुकी है, और ये देखिए अब हम इन्हें एक बार हिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं है, ना ज़्यादा तेल लगता इसमें, भाई जमे तेल में बना है तो थोड़े से तेल में जब भी तैयार हो जाए हैं, बस चीज़ एक ध्यान रखिए सरसों के तेल में तैयार करने होगी। और अब हम इसमें अपना हरा धनिया डाल देंगे, और एक सुथरे दिखने लग रहे, देख सकते हो आप कितना सुथरे दिखने लग रहे हैं। और ये हमारे एकदम तैयार है, अब हम अपनी गैस कर देंगे बंद, झटपट मसालेदार चीचू बैंगन, अचारी बैंगन, बेबी ब्रिंजल एकदम तैयार है। अब हम इन्हें परोसेंगे अजी घाल देंगे। ये हमने जी सजा दिए हैं अपने, इन सजाने की जरूरत है ना, ये खुद ही इतने सुथरे दिखने लग रहे हैं, कम सजाने की जरूरत ना पड़ रही कभी। हरा धनिया डाल दिया है, आप इसे नाश्ते में, लंच में, डिनर में, किसी टाइम भी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, काफी टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मजा आता है। और जी मैं तो निरका जा रहा है, मैं झटाझट रोटी बनाऊंगा अपनी और खाऊंगी, आप भी खाइए। और स्वाद बढ़ाने के लिए साथ में बटर मिल्क जी हमारे हरियाणा का ऐसा शीत, वो जरूर लिए, और फिर बताइए कैसे लगे, बनाइए अभी खूब बढ़िया, दिल से बनाइए, बढ़िया बनाएंगे। जय राम जी की सारी देशवासियों ने।